हम लोग का डेस्टिनेशन बस वहाँ पर है। उल्टू मस्ती कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। How's you feel? पटना में कुछ बहुत मजा कर रहे हैं। पटना के हर लोगों को यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। गोवा का जो फील होता है पटना में मिल रहा है। बाय करने के लिए कितना पे कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेरी फ्रेश ब्लॉग। एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। काफ़ी दिनों से घर में पड़े पड़े एकदम बोर हो गया था यार। कोई अगर एक्चुअल में पूछे कि आप घर में आराम कर रहे थे, लेकिन आराम तो हराम हो जाता है जब मेरे जैसे चंचल इंसान जो काम करने वाला है और आप लोगों के लिए हमेशा नए नए एक्सक्लूसिव वीडियोज लाने वाला, वो कभी घर में बैठ जाए तो उसकी हालत क्या होती है ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं पटना में गंगा घाट पर। पटना शहर जो है ना, वो गंगा किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर हर चीज़ की शुरुआत गंगा से ही होती है। अभी फिलहाल हम लोग हैं महेंद्रू घाट पर। तो इतने दिनों से जो मैं घर में बोर हो रहा था ना, वो बोरियत आज ख़त्म होने वाली, क्योंकि अल्टीमेट मस्ती और अल्टीमेट फ़न होने वाला है। तो मैंने सोचा क्या कि ये चीज़ जब शुरू हो रही है पटना में तो आप तक ये चीज़ पहुँचनी ज़रूरी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अगर भाई को आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई साहब, हम लोग जिस बीस्ट की बात कर रहे थे ना, वो बीस्ट इधर गंगा के अंदर है, क्योंकि वो किनारे नहीं आ सकती बहुत। तो अभी हम लोग इस वाले छोटी वाली बोट से भी उस तक पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको रियल चीज़ दिखा दूँ। तो एक्चुअल में क्या है ना कि वाटर लेवल हमेशा कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से हम लोग को अल्फा में जाने के लिए, अल्फा द नेम ऑफ द शिप, द क्रूज शिप, वहाँ पर जाने के लिए हम लोग को इस छोटे वाले शिप से होकर के गुजरना होता है। और आज सभी लोग हैं पूरे मस्ती के मूड में। एक बार हाय कर देना सर। तो अभी यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है अल्फा तक के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी हम लोग अल्फा तक जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर साथ में हैं। हाउ फील, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग डेस्टिनेशन बस वहाँ पर है, आप देख सकते हो। जैसे ही हम लोग अल्फा पे आते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है जिस तरह का इंटरफेस। अगर इसके हम लोग अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पे आपको यहाँ पे एक फुल टेबल लगाया गया और फुल एसी कैबिन बनाया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो बोर्ड है जिससे आप लोग को लेकर के आया गया था और आप लोग को भी लेकर के इसी से आया जाएगा। और थोड़ा सा अगर शोर हो रहा होगा इंजन का तो डोंट माइंड यार, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। और यहाँ पर आकर के आप फुल्टू मस्ती कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पूरे फ्रेंड सर्किल के साथ आकर के यहाँ पर आप फुल इंजॉय ले सकते हैं। या फिर आप नीचे बैठे या फिर आप ऊपर डेक पर जा करके वहाँ पर जा करके इंजॉय करें। इट डिपेंड्स अपॉन यू और कितना कुछ फेयर रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी पहले आप देख लो कि अंदर का लुक कैसा है, आप कितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं पहुंचा तो अंकित भाई मिले। भाई का भी चैनल है, क्या नाम है उसका? अंकित ब्लॉग एंजॉय इंडिया। तो बिल्कुल भाई के चैनल पर भी जाओ और भाई को भी सपोर्ट करो। काफी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट लग रहा है। और अभी थोड़ी स्वेटिंग हो रही है, माइंड में चिंता। अभी चलते हैं ऊपर डेक के ऊपर और वहाँ पर कैसा व्यू है, कैसा सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एम वी अल्फा के ऊपर। एम वी फॉक्स के ऊपर जो सफ़र किया था वो आप लोगों ने देखा था। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ख़ास करके वहाँ के लिए जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं हमारे साथ और सभी लोग क्रूज़ पर मस्ती करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर फुल टू इंतज़ाम है, इवन कि डिस फ्लोर भी बनाया गया है जहाँ पर आप आकर के अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ कि आखिर ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कब से शुरू होने वाला है और आपके लिए कब तक।
उपलब्ध हो जाएगा पटना में, मतलब वीडियो में बने रहिए। पर मैं अकेला नहीं हूँ जो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी एक मैम लोग की टोली बैठी है, जो लोग देख रहे थे मैं कब से बहुत इंजॉय कर रही है, सेल्फी वगैरह ले रही है और सनसेट का मजा ले रही है। मैम कैसा फील हो रहा है, हाउ डू यू फील पटना में? बहुत मजा कर रहा है, बहुत मजा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर भी बड़ा अच्छा है। और शाम के वक्त में भाई पटना का सनसेट को बस बनाया नहीं जाता। आप कितना इंजॉय कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। हमें फैमिली से ही जाने की कोशिश करें। मैम पहले तो हाई कर दूँगा, हाई लाइन समझू, हाउ डू यू फील? देखिए इट इज सच अ नाइस फीलिंग। पटना में हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब पहले हमें सोचा भी नहीं था, राइट? आदमी गोवा तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु है, गंजेस आपका वाराणसी हो गया, बट ये तो फीलिंग है। और आप देखिए पीछे ब्यूटीफुल और मौसम इतना बढ़िया, कोई इंसान अगर पटना के सनसेट के बारे में बात ना करे वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पटना में एक पहला इनिशिएटिव लिया गया, हम लोग तो बिहार से आ रहे हैं ना, एक के बंदे दो के बंदे चार और इस तरह के, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कि पटना के लोगों के लिए एंजॉय बनती है। यस यस, पटना के हर लोगों को यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, अभी साथ में हमारे साथ म्यूजिक भी है, फूड भी है, बियर भी है। यहाँ पर आपको डीजे फ्लोर मिलेगा पूरा, जहाँ पर आप आके आराम से मस्ती कर सकते हो, डांस वांस कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ आके। यस, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई ऐसा लग रहा है कि मुंबई और गोवा का जो फील होता है वो हमें अभी पटना में मिल रहा है। बिल्कुल, कंपैरिजन नहीं है बट फील आप ले सकते हो पटना में भी रहते हुए। भाई जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लंच करते जा रहे हैं, गाने पे कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं अभी। तो अभी एम बी अल्फा के ऊपर जो है ना अभी सफर शुरू हो चुका है और हमारे साथ प्रणव है, बताएंगे कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे शुरुआत हुई और क्या कुछ है, सब कुछ इज एवरीथिंग जानेंगे। थैंक यू साहब फॉर कमिंग एंड बीइंग विद अस टुडे। पटना में क्या गंगा जी से शुरुआत होती है और गंगा जी में ही अंत होती है। हम 2009 में एक बोट बनाए थे, उसके पहले हमारा एक फैमिली वेसल था, लक्ष्मी उसका नाम था। ओके, वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का था, उस समय गंगा ब्रिज होता नहीं था, 50s, 60s, 70s तक चला जी। अल्फा के बारे में बताइए कि अगर मैं एक नॉर्मल पीपल हूं तो जी, तो अल्फा में क्या है कि एयर कंडीशनड है और ये इसका एक्चुअल कैपेसिटी जो है बोट का 100 का है। एक चीज और है कि आप थोड़ी देर पहले सुरक्षा, मैं कैसे सुरक्षित फील करूंगी अगर मैं इस पे अल्फा पे हूं? मरीन स्टैंडर्ड्स का इसमें लाइफ जैकेट, लाइफ बॉयज और तीन लोग स्विमर लोग इसमें रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। ओके, 100% सेफ, मतलब 100%। मतलब कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ फैमिली के साथ करना चाहूं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, 3 घंटे आराम से, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए कितना पे कर सकते हो? 300 रुपीज है, 300 रुपया 2 घंटे का। बिल्कुल, 2 घंटे का 300 रुपया आपको पे करना होगा। और अगर फुल बुक कराते हैं तो 12,000 अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल वो चार्ज करेगा होगा, 3 घंटे के लिए चार्ज किया जाएगा आपसे। बाकी के जो चीज़ें होंगी वो आपको इस समय बता देंगे। तो अभी ये सर्विस जो है ना शुरू कब से हो रही है? परसों से हो रही है, परसों से आपको एनआईटी घाट से इसको आप एनआईटी घाट से। अभी तो हम लोग रेगुलर सर्विस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें लोड चाहिए, 5 पैसेंजर 10 पैसेंजर लेके चलना वायबल नहीं है। बाकी का मेरे हिसाब से सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। नाइस टू टॉक यू प्रणव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी जो फ्लोर पर लाइट्स लगी है ना, एक्चुअल में डीजे लाइट से मेरा चेहरा कलरफुल समझ में आ रहा है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी सब लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और रात हो चुकी है और मिडिल ऑफ द गंगा रिवर अब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने को मिल रहा है। और इस तरह का इनिशिएटिव पटना में था तो मेरे को पहुँचना ही था। ये जो है कि अल्फा का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है, काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, रात हो गई है। ये देखो आप इस तरह क्रूज अगर पटना में रिवर में लगी है जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ हैंग आउट कर सकते हो। देखो यार ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़िंदगी में थोड़ा सा इन्जॉय कर ले इंसान तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी हम लोगों ने इन्जॉय किया इस क्रूज के ऊपर और अभी यहाँ से घर निकलने का वक्त आ चुका है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए थोड़ी दुआ कर दीजिएगा।